दोनों बन गए हैं पूरा कंप्लीट करके, बंद करके मैंने इसको भी सिल दिया है। तो ये दोनों पैरों के बन गए हैं, फाइनल लुक आपके सामने। हेलो, क्या बोलूँ मेरी आंखें रोई रोई लग रही हैं। मैं बिग बॉस देख रही थी। मैं बिग बॉस की डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब मैंने कोई सीज़न नहीं छोड़ा। हाँ वो और बात है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है तो मैं भूल जाती हूँ, बट मैंने कोई सीज़न नहीं छोड़ा। जब भी बिग बॉस आता है सब कुछ बंद हो जाता है, मैं घर से सबको निकाल दूंगी, पर मैं बिग बॉस ज़रूर देखूंगी। अभी भी मैं दिन में नहीं देख पाती, मैं रात को 2 बजे 3 बजे बैठ के देख के फिर सोती हूँ। जब मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो बीच में मैं बिग बॉस देखती हुई व्लॉग एडिट करती हूँ, और फिर जब बीच में मेरा अपलोड हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है, तब मैं बिग बॉस देखती हूँ, फिर सेव करके फिर जब वो फाइनल मैं करती हूँ तब मैं बिग बॉस देखती हूँ। बिग बॉस देख के ही सोती हूँ मैं डेली के डेली। और मैं इस बार के बिग बॉस से इतनी डिसअपॉइंट हूँ, इतनी डिसअपॉइंट हूँ यार। क्या शौक चढ़ा था बिग बॉस को कि उनको बायस्ड होना है। क्यों बायस्ड होना है भाई, हर बार वाला सही तो चलता था, क्यों इस तरह का बनना है आपको कि कोई किसी से कोई बात कर रहा है कोने में बैठ के, उठा के वो बात उठा के सबके बीच में बोल देनी। बिग बॉस बिग बॉस है, उनको एक कंटेस्टेंट अगर बनना है तो वो भी आ जाए ना मैदान में, ताकि उनकी भी कुछ बातें इधर की उधर हों। बहुत बेकार, मतलब जो हालत कर रहे हैं ना। और अभी तो मुनव्वर की जो की है उन्होंने, पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, धज्जियाँ। और एक लड़की बोले चले जा रही है, बोले चले जा रही है, उसको कोई रोक भी नहीं रहा, कोई एक इंसान भी उसको नहीं रोक रहा कि ये चीज़ें मत बोलो। अगर लड़की के बारे में कोई बोल दे तो सब आ जाते हैं करेक्टर पे, मत बोलो ये, मत बोलो वो, मत बोलो। बहुत बहुत गलत, गंदा। कल वाला एपिसोड तो बहुत ही गंदा लगा मुझे। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए एक लेवल होता है। अब वही है ना कि हमारा तो इंटरेस्ट बना हुआ है ना, क्या करें, छोड़ा भी नहीं जाता। पर अगर अगले बार भी बिग बॉस इस टाइप का हुआ तो मैं तो नहीं देखूँगी, मैं तो बंद कर दूँगी देखना। बड़ा दिल दुखा यार, पहले अभिषेक के साथ इतना सब हो रहा था, ईशा समर्थ, मत अजीब चल रहा है यार, अजीब सी स्टोरी चल रही है। अरुण कुछ कर ही नहीं रहा ना, वो काम करता दिखाई देता है, ना वो एक्टिविटी में दिखाई देता है, ना वो किसी से बात करता, मतलब अपने लेवल पे बात करता दिखाई देता, बट वो अभी भी बैठा हुआ है। जिनको जाना चाहिए वो जा नहीं रहे, जिनको नहीं जाना चाहिए वो घर में बैठे हुए हैं। एक बंदा अपने आप को वो बन रहा है, वो क्या, कौन आया था मास्टरमाइंड जो बना था, नाम भूल गई मैंने। देखा मेरी याददाश्त कमज़ोर है ना, ये चक्कर है। बट मेरा बड़ा दिल दुखा यार कल वाला एपिसोड देख के, कल वाला मतलब जो मुनव्वर वाला था, और आज जो आया था वो था फैमिली वाला। तो उसमें भी फैमिली में भी मतलब थोड़ा सा अंकिता की जो इन लॉज फैमिली है उनका देख के थोड़ा अजीब लगा कि यार इतना कॉन्शियस तो हर कोई होता है कि ये चीज़ें चाहे हमें बुरी लग रही हैं पर हम कैमरा के ऊपर ये चीज़ें नहीं बोल सकते। आफ्टर ऑल अंकिता एक सेलिब्रिटी है, ऑब्वियसली आप इतनी सी भी बात इस तरह की करोगे तो वो मूव होगी, वो घूमेगी, वो मीडिया में जाएगी ही जाएगी। तो या तो आप पर्पसली कर रहे हो, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो, और या फिर आप इतने बेवकूफ़ हो, मतलब इतने सीधे हो, बेवकूफ़ कहते हैं, आप इतने सीधे हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपको क्या बोलना चाहिए। सीधे वाली बात तो नहीं लगती, ना विक्की में लगती है, ना विक्की की फैमिली में जो मम्मी उनकी देखी है उनमें लगती है। बट आई थिंक अंकिता कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेगी आने के बाद। अंकिता की मदर की भी प्रॉब्लम समझ आ रही थी क्लियरली, मतलब एज अ व्यूवर, एज अ बिग बॉस फैन, मैं एक एक मोमेंट को समझ पा रही थी कि वहाँ हो क्या रहा है। बिग बॉस का कंटेंट नहीं बन रहा था तो बिग बॉस ने वो कंटेंट ले लिया जो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, जो उनकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर चीज़ें हैं। वेरी बैड बिग बॉस, गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं सच बताऊँ, मेरा बड़ा मन होता था कि मैं भी बिग बॉस में जाऊँगी, मैं भी बिग बॉस में जाऊँगी, पर ये जो अब हो रहा है ना इसके बाद मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। अब नहीं जाना मुझे। अगर इसी तरह से बिग बॉस चलेगा तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आप जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ होनी ही होनी है, पर वो आवाज़ उस घर की होनी चाहिए, घर के बाहर की नहीं कि तूने पहले क्या किया था, तूने बाद में क्या किया था, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन के घर के अंदर की बातें अच्छी लगती हैं। उस टाइम पे घर में जो चल रहा है, आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, खाना कौन बनाएगा, और मतलब अंदर की चीज़ें देखने में अच्छा लगता था। बाहर पर्सनल लाइफ है यार, और वो बच्चा है। अगर ईशा 19-20 साल की है, आयशा 20-21 साल की है, तो मुनव्वर क्या वो भी इतना मैच्योर नहीं है? उसने भी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है यार। अभिषेक ठीक है, गलतियां होती हैं, बच्चों से ही होती हैं, हम भी गलतियां कर करके यहाँ तक पहुँचे। बड़ा दिल दुखा मेरा।
नहीं अच्छा लगा, दोनों ही एपिसोड अच्छे नहीं लगे, ना आज का ना कल का। मुनव्वर वाला तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अंकिता वाला भी वो मुझे पब्लिसिटी स्टंट लगा, वो जानबूझ के चीज़ों को उछालना, मुनव्वर के साथ नाम जोड़ना, अपने बेटे की साइड लेना, वो तो बेकार की चीज़ लगी, बिल्कुल बेकार लगी। तो चलिए, खाना वाना कुछ बन नहीं रहा, ब्रेड टिक्की खा ली थी, उसके बाद दिया जो है वो दाल चावल ले गई तो चावल ख़त्म हो गए थे, राजमा भी बहुत सारे रखे हैं, तो समृत ने कहा कि मैं तो चावल ही खाऊंगा राजमा के साथ। मैंने बोला भी कि मैं रोटी बना देती हूँ, पराठे बना देती हूँ, कह रहा नहीं, तो मैंने कहा फिर रखो, अपने आप रखो, ठंड में मैं तो नहीं पानी में हाथ डालूंगी। अब वो फ़ोन पे गप्पे मार रहा है, साथ साथ वहाँ पे चावल रख रहा है, खुद रखेगा, जब वो रख देगा तो थोड़े से मैं भी खा लूँगी। ओफो, देखो मैं आती हूँ बाय करने के लिए और फिर गपोड़ों में लग जाती हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, और आज आप लोगों ने मुझे जो मेरी फीलिंग को समझा और सपोर्ट किया, पूजा बख्शी जी ने और हरप्रीत जी ने, दोनों ने मुझे ये सजेस्ट किया, जो कि वो पहले भी करते हैं कि आप इग्नोर किया करो, आप मतलब ध्यान मत दिया करो ऐसी चीज़ों पे। बट यार, आप पूजा पूजा जी ने सही चीज़ लिखी कि चाहे कितना ही कर लो तकलीफ़ तो होती है। वाकई यार, मतलब हजम करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अब ठीक है, अगले दिन मैं भूल गई थी, भूली तो नहीं थी, मतलब अगले दिन मैं इग्नोर मार गई थी, और मैंने ऑप्शन भी ले लिया था उस ऐसे इंसान जो आपको किसी भी तरह से डीमोटिवेट करें, आपको इंसल्टिंग फील कराएं, उन लोगों को आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने भी वही किया, मैंने कहा हाइड कर दिया, रिमूव कर दिया उनका, कि अब उनका कोई भी कमेंट अगर आता है तो मुझे नहीं दिखाई देगा। आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। मुझे अपनी लाइफ के अंदर किसी भी 1% की भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की। तो मुझे आप जैसे लोग चाहिए जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और मैं आप लोगों की इतनी थैंकफुल हूँ ना। मुझे 1 साल करीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, अब जाके मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो वो जो एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना, आज 497 हुए, मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल मेरे बेटे ने इतने सारे अवार्ड्स जीते थे ना, तो ये सब मेरे अवार्ड्स हैं, वो 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के अवार्ड्स जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी भी, बट उसके लिए मुझे फिज़िकली अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ आगे कर पाऊँगी आप लोगों से। और मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, बट एक सर्वाइवल चाहिए मुझे, सबसे पहले एक सर्वाइवल चाहिए। मैं किसी पे डिपेंड होके आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मुझे अपनी खुद की अर्निंग के बेस पे ही आगे बढ़ना होगा। तो प्लीज़ 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 मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दो कि मेरी अर्निंग एक बार शुरू हो जाए। अगर अर्निंग शुरू हो गई तो उसके बाद मैं अपनी बॉडी को और एक्टिव कर लूँगी, धक्का मार मार के करूँगी, देखना मुक्के मार मार के करूँगी, L4 L5 5 टूटी थी दोबारा तोड़वा लूँगी। तो चलिए प्लीज़, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा लगता है आप लोगों के एक दो जो कमेंट्स आते हैं ना, उनको देख के बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट 500 लोगों में से, इतनी बड़ी दुनिया में से 500 लोगों में से 2 लोग मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। बाय। गुड मॉर्निंग एवरी वन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। वो एक पिक्चर में डायलॉग था, आई एम अ लेजी गर्ल, वही मेरा हाल हो रखा है। ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जब जॉब करते थे पता नहीं कैसे करते थे, जॉब के लिए फटाफट सुबह उठना, घर के सारे काम भी तब मैं खुद ही करती थी, सफाई, झाड़ू पोछा सब मैं करती थी, खाना बनाना बच्चों का, इनका, अपना। और हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे एक ही कंपनी में, पर अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो दोनों के लिए जो ब्रेकफास्ट बनता था तो वो ग्रुप वाइज बनाती थी मैं, कि इनकी टीम में भी अगर कोई खाना चाहे तो खा ले, लंच भी एक्सेस बनाती थी, पता नहीं कैसे करती थी मैं काम। अब तो मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता यार, दूध नहीं था तो सुबह ये भाई साहब चाय नहीं पी के गए हैं, और मैंने बोला भी है कि दूध ला के तो रख देना, तो दूध भी नहीं ला के रखा। बहुत निकम्मे होते जा रहे हैं हमारे घर के लोग। तो समृद्ध जा रहा था खेलने, तो मैंने बोला कि दूध पकड़ा जा बेटा, चाय तो चाहिए ही चाहिए, दूध उबालती हूँ, क्योंकि अभी फिर कोको और लूना दोनों को भी दूध देना होगा, और वो तो बिना कुछ खाए पिए चला गया है, मतलब इतना दूध था नहीं तो दूध तो पीना ही नहीं, वही अंडा पड़ा है, ब्रेड पड़ी है, कुछ बना के खा लो या एटलीस्ट मुझे उठा दो, क्योंकि मैं जब सुबह एक बार नींद टूटती है ना, फिर जब दोबारा नींद आती है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या टाइम हो गया, और देखो 12:15 हो गए उठते उठते। चलिए मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ब्रश करती हूँ, दूध रखती हूँ, चाय बनाती हूँ,
उसके बाद देखते हैं लंच वंच का क्या करना है, क्योंकि दिया तो अब सो गई और ये भाई साहब अब सीधा आएंगे 2-3 घंटे में, 3-4 बजे के आसपास आएगा, मैं अकेली हूँ तो देखते हैं मैं क्या खाती हूँ। हाँ जी, चाह शाह तो पी ली असी, हूँ लगी है मेरी धी नू मेरी कुड़ी नू भुख, तो बड़ा ही सोच विचार करन दे बाद, बड़ा ही थिंक ओवर करन दे बाद उन्हें फाइनल किया है कि उन्हें खाना है ब्रेड ते ऑमलेट। तो मैं ले आई हाँ एक अंडा ते 2 पीस, तो मैं बना रही हाँ वो ब्रेड ऑमलेट। कोई चीज़ बनानी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो स्पेसिफिकली साथ में एक इंस्ट्रक्शन आती है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मैं क्या करती हूँ नॉर्मली तो मैं ब्रेड में लगा के देती हूँ, सैंडविच टाइप बना के देती हूँ, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, बट कई बार ना जैसे मन नहीं होता तो मैं प्लेन ऑमलेट अलग और ब्रेड सेक के अलग ऐसे दे देती हूँ। तो इंस्ट्रक्शन क्या थी, वैसे वाला मत देना, सैंडविच बना के देना, क्योंकि उतनी जहमत भी नहीं करनी ना कि तोड़ के हाथ से खा ले, तो सीधा उठा के मुंह में डालने वाली चीज़ देना, ठीक है। मेरे पिताजी का क्या जा रहा है, चलिए अभी तो तवा गर्म हो रहा है, मैंने पहले ही डाल दिया, मैं इसको कंप्लीट करके उसको देती हूँ, उसको नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है, तो खा के वो सोएगी, उसके बाद फिर मैं घर के काम वाम देखूँगी, मशीन दोबारा से लगानी है, बाहर के कपड़ों को अंदर तार बांध के अंदर करूँगी, कुछ है यार बहुत सारे काम करने होते हैं मुझे, क्या बताऊँ आपको। और अभी मुझे अपनी फ्रेंड से भी बात करनी है, क्योंकि वो आने का बता रही थी कि वो शायद आएंगी, तो मैं पूछती हूँ कि किस वक्त आएंगी, तो मेरा मन है कि आज मिक्स वेज बिरयानी बना लूँगी, वेज बिरयानी और या फिर मिक्स वेज पुलाव कह लीजिए, तो वो आएंगी। मेरा ऑमलेट ख़राब हो रहा है, सॉरी जी सॉरी, आप सबको सॉरी, मेरे को डेट मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं एक दिन पीछे चल रही थी, मुझे लगा आज 12 तारीख है, बट आज 13 तारीख है। तो हैप्पी लोहड़ी सबको, जिनकी पहली लोहड़ी है उनको डबल हैप्पी लोहड़ी, जिनके घर में नॉर्मली लोहड़ी मनाई जाती है उनको बहुत 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 मुबारक हो लोहड़ी की। और हम लोग पिछले 7-8 साल से, जब से मेरी मम्मी गई हैं, हम लोग इतना कुछ सेलिब्रेट नहीं करते लोहड़ी का फंक्शन, मतलब मन ही नहीं करता, अब कोई बड़ा है नहीं, कोई कोई खुशी है सच आई नहीं, बट हाँ इस घर की, हमारे घर की पहली लोहड़ी है, तो ट्राई करेंगे कि आज हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि दिया भी घर में है, कल पापा की भी छुट्टी है, तो शाम को कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा अरेंजमेंट कर सकें। तो इनको मैं अभी मैसेज करती हूँ, क्योंकि इनको भी मेरे ख्याल से ध्यान नहीं होगा, सुबह इन्होंने मुझे विश ही नहीं किया तो इनको भी ध्यान नहीं होगा, तो मैं इनको याद दिलाती हूँ और छोटा सा एक अरेंजमेंट करते हैं शाम को लोहड़ी जलाने का और थोड़ा सा पूजा करने का। बाकी सुबह नहीं ध्यान था और हम लोग अंडा वंडा भी खा चुके हैं, बट नहा धो के पूजा में जाएंगे, नहा धो के माफ़ी मांग के फिर तब लोहड़ी का सेलिब्रेशन जो भी छोटा सा करना है वो करेंगे, तो भगवान जी भूल चुक माफ़ करें, बस देखते हैं आगे क्या होता है आज के दिन में। एक है कज़न, उनके घर में पहली लोहड़ी मुझे पता चला कि आज सेलिब्रेट हो रही है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, कोई उससे वो नहीं होता कि भाई बाकी सबको बुलाया हमें नहीं बुलाया, बट कोई बात नहीं, विशेष तो विशेष हैं, देखो बच्चों से क्या गिले शिकवे, या कोई नहीं, हो सकता है भूल गए हो, या हो सकता है किसी कारण से ना बुलाया हो, तो परमात्मा सबको खुशियां बख्शे, और जो जिस बच्चे के लिए फंक्शन किया जा रहा है उसको बहुत 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 सारा आशीर्वाद, और परमात्मा उसको बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत तरक्की दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, हमारा आशीर्वाद हमेशा अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ रहेगा। गिले शिकवे मैं नहीं रखती हूँ, मुझे बस पता चला कि उनके घर में फंक्शन है, कहीं से पता चला, मेरे पास कॉल आया कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे, तो मुझे नहीं इनवाइट किया गया, मैंने इनसे भी पूछा कि आपको इनवाइट किया है, क्योंकि उनके रिलेटिव हैं, बट उन्होंने कहा मुझे भी कोई इन्विटेशन नहीं आया, तो पता चला ऑल सबको फ़ोन हो चुके हैं, तो सबको ऑलरेडी इन्वाइट जा चुका है, तो हमें नहीं बुलाया होगा, कई रीज़न हो सकते हैं भैया तो बस हम तो विशेष दे सकते हैं, तो परमात्मा सब ठीक रखे, सबको अच्छी से। चलिए मैं ज़रा कट 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 करवा के आती हूँ, अब आई हुई है तो मैं भी करवा लूँगी, अदरवाइज़ तो फिर स्पेशली एक थ्रेडिंग के लिए बुलाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आती हूँ चलिए करवा के। हो गया सबका खाना पीना, समृद्ध को भी मैंने बुला लिया था, समृद्ध आ गया था और उसके बाद उसने तो राजमा चावल ही खाए थे, तो अभी मैं वेट ही कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन मैं बात हो चुकी है कि वो आ रही हैं, तो उन्हीं का फ़ोन आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो वो आ चुकी है नीचे, तो ये थोड़े से बचे हुए चावल मैं खा रही थी बट मैंने छोड़ दिया, तो
तो अब बस वो आ रही हैं, तो उनके साथ चाय वाय पियेंगे, थोड़े गप्पे मारेंगे, थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि हम यहीं बैठेंगे। इधर समृद्ध सो रहा है, उधर दिया सो रही है, तो दोनों कमरे ऑक्यूपाइड हैं, तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, कंबल वम्बल लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर दी है बैठने की, ये कपड़े उतारे थे ना वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, अच्छा नहीं लगता, बट क्या करूँ, अंदर ले चक्के जा नहीं सकती क्योंकि वो लूना जो है ना सब खाड़ फूट देगी। बस वो आ जाए, फिर चाय बनाती हूँ, चाय के साथ तो लड्डू हैं, तो उनको पंजीरी वाले लड्डू खिलाती हूँ, गोंद वाले लड्डू खिलाती हूँ, और फिर साथ साथ मैं पुलाव भी रख लूँगी, तो मज़े से गर्मा गर्म पुलाव खाएंगे दोनों मिल के। हमें उसकी आदत है ना, जैसे वो फर वाला है ना, ये ऐसा लग रहा है गंजी सी है, हड्डी सी है बेटा, तू हड्डी है, तू तो उसके सामने वो भी इतना ही पतला है, वैसे हड्डी में भी इतनी जान है ना, दिमाग खराब कर देती है भाई साहब, बहुत शैतान लग रही है ये, बहुत शैतान है, देखो देखो गिरने का डर नहीं है, और वो तो चढ़ने में भी डरेगा ना, ये तो हर जगह चढ़ जाती है, हर जगह शैतान दो सौ के बीच में लटक गया बेचारा, ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा डर गया, ये तो उसके उतारो, ये तो सब जगह चढ़ जाती है, बस अब ये सोफे पे रह गया, वहाँ बेड पे भी चढ़ जाती है, नहीं मिलेगा ये, नहीं मिलेगा तुमको ना, इसकी आपकी नींद सी लग रही है, हाँ सो रही थी है ना, मैं उठ के बाहर आई हूँ ना, लोना कूद के दिखा, जंप लोना जंप, पूछ तो रुकी नहीं बेटा तेरी, पूछ तो रुकी नहीं है, छी आजा आ आ आजा आजा तू, अरे लोना गजब का ही है, वो भी बड़ा खुश होके खाता है। चलिए आ गई है मैडम, तो अब हम बैठ के थोड़ी गपशप मार लें, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, गॉसिप आपको क्या दिखाएं, दुनियादारी वो तो हमारा फ़र्ज़ है ना करना, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना पीना हमारा हो गया है, मिक्स वेज पुलाव बनाया था जैसा कि मैंने बताया था मैं बनाऊंगी, और बिरयानी नहीं बनाई कैसा लगा? बहुत अच्छा, गरम गरम अच्छा लगा ना, मुझे पता था कि गरम गरम खाएंगे ना तभी मज़ा आएगा, तभी मैंने आपके बैठे में बनाया, और यहाँ बैठ के भी ठीक लग रहा है, नहीं तो मेरे को ये था कि ठंड लगेगी इस कमरे में, कोजी लग रहा है। चलिए अभी मैं अपना लास्ट बाइट खा के ख़त्म कर लूँ, फिर मिलती हूँ। ये लीजिए, मैं तो हो गई हूँ नहा धो के तैयार, और इनका फ़ोन आ चुका है, ये अभी लेके आ रहे हैं सामान, जो रेबड़ी फुल्ले मूँगफली ये सब चीज़ें हैं वो लेके आ रहे हैं, और मैं कब से इसे उठा रही हूँ, समृद्ध खेलने गया हुआ है नहा धो के, और ये मैडम उठ ही नहीं रही है, मैं कब